ये देखो जी, कनाडा में 2 दिन स्नोफॉल होता रहा और आज धूप निकले थोड़ा थोड़ा। ये सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं। अभी लगता है ये जो बर्फ पड़ी है, ये देखो स्नोफॉल पूरा घर तक पड़ा है। ये लगता है धीरे धीरे पिघलने का भी कोशिश कर रही है, आस्ता आस्ता पिघल जाएगी। ये पूरा अभी भी ऐसे नज़र आ रहा है, पूरा छतों के ऊपर देखो वाइट हो रहा है पूरा। तो 2 दिन पहले वीडियो डाला था तो उस टाइम भी स्नोफॉल हो रहा था उस टाइम तो, लेकिन आज जो है ना, आज लगता है पिघलेगी ये आस्ता आस्ता, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है कनाडा में स्नोफॉल देखने का। और धूप के बाद पिघलती है ऐसे जमीरे के वालों ने उसका, फिर मेरे को लगता है पानी तो किधर हो नहीं रहा, ऐसे पड़ा है। पिघलने के बाद पानी हो जाता है अपने को, लेकिन तो ऐसे पड़ा था पूरा आगे गाड़ियों के ऊपर, पूरा छतों के ऊपर। वो जैसे अपने कपास बोलता है ना, कॉटन, सेम ऐसे वाइट वाइट नज़र आ रहा है। ये कितना खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। लेकिन अच्छा है कि आप धूप निकल रही है और थोड़ा मौसम ठीक है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी -8 है। अभी मैं जो चेक किया था टेम्परेचर फोरकास्ट में, वेदर फोरकास्ट में, अभी भी टेम्परेचर -8 है इधर का। ये कनाडा टोरंटो मिशिसागा टोरंटो का, लेकिन स्नोफॉल जो कल तक हुआ था 2 दिन तक लगातार होता रहे, वो तो ऐसे पड़े गाड़ियों के ऊपर, सब छतों के ऊपर। ये देखो घर के सामने निकलने का भी रास्ता नहीं, तो लगता है पिघल जाएगी आज। अभी क्या हो रहा है इसका मालूम भाई, मेरे को लगता नहीं इतना जल्दी पिघलेगी, क्योंकि थोड़ा ठोस हो रहा है। बाहर आया था मैं थोड़ा यही देखने के लिए, दूर दूर तक ये नजर आ रहा है ऐसे। लेकिन थोड़ा मौसम साफ है, साफ नजर आ रहा है। माने जरूर टेम्परेचर जरूर -8 डिग्री है, लेकिन मौसम साफ नजर आ रहा है। ये देखो छत भी पूरा वाइट हो रहा है। ओके जी, थैंक्स बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वालों को। और आज स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा हम लोग कैसा निकाल सकते हैं, कैसा मिलता है, ऐसे वगैरह, वो पूरा प्रोसेस आज मैं एक वीडियो में डाल रहा हूँ। इसलिए इसी तरह आप देखते रहिए और जुड़े रहिए बलवंत हरियाणा से। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।